लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खेलकूद युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी के प्रथम आगमन को लेकर जिले के भाजपाइयों में खास उल्लास देखने को मिला। प्रथम बार जनपद आगमन पर प्रभारी मंत्री का फरिंदा बाईपास पर सांसद पंकज चौधरी एवं महाराजगंज के विधायक सहित भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में महाराजगंज जिले मुख्यालय की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भाजपा सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों को बताया। आपको बताते चले कि जनसभा के बाद प्रभारी मंत्री ने जिला मुख्यालय के पिपल देवरवा के काशीराम कॉलोनी में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं काशीराम आवास में रह के लोगों का हालचाल भी लिया। प्रभारी मंत्री ने काशीराम आवास कॉलोनी में स्वच्छ पानी की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को शीघ्र ही काशीराम कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने की CDO और SDM को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 2.5 साल के कामों को सूचीबद्ध तरीके से बताने का काम किया कि योगी जी की सरकार ने 2.5 साल के अंदर क्या किया, पूरी विस्तृत लोखा जो कहता। जैसे कि बड़े भाई पंकज चौधरी जी कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि चाहे 100 दिन का कार्यकाल हो, चाहे 1 साल का कार्यकाल हो, चाहे 2.5 साल का कार्यकाल हो, चाहे 5 साल का कार्यकाल हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंदर जो कहती है उसको करके दिखाती है। और आज किसी भी समाज का भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर भरोसा है, जिसका नतीजा था कि कई साल का इतिहास उठा के देख लीजिए तो मोदी जी की सरकार पे हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा किया और 2014 से भी प्रचंड बहुमत के साथ 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की जनता उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने किया। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष नाम कह सकते हैं कि जो काम सपा और बसपा की सरकार ने 15-20 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया, जो काम कांग्रेस पार्टी की कई सालों की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, उससे कई गुना ज्यादा काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार ने 2.5 वर्षों के अंदर किया है। इस बात को मुझे कहने में कोई शक नहीं। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कार्यकाल के 2.5 साल पूरा हुआ, आज 30 महीना उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने लखनऊ से और आज भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रभारी मंत्री वो सभी अपने अपने जनपदों में जाकर के सरकार के 2.5 साल के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2.5 साल के अंदर क्या क्या कार्य हुआ, एक तरीके से पूरी सरकार की रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। और उस कार्य के आधार पे अभी जो 2.5 साल बचे हुए हैं उस पर भी सरकार आने वाले दिनों में पूरी तन्मयता के साथ और आगे बढ़ेगी, उसका पूरा रूपरेखा तैयार। उसी परिपेक्ष किस तरह की उपलब्धि आप हम कह सकते हैं कि पिछले 15-20 सालों के अंदर जो सपा और बसपा की सरकार ने नहीं किया, चाहे घर घर में शौचालय बनाने का मामला रहा हो, घर घर में प्रधानमंत्री के आवास बनाने का मामला रहा हो, घर घर में बिजली के तार और खंभा पहुंचाने का मामला रहा हो, देहात में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय 20 घंटे और महानगरों और शहरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का मामला रहा हो, राशन कार्ड में जो अपात्र लोग थे उसको राशन कार्ड को सुधरवा करके लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को लाभ पहुंचाने का मामला हो, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन दिलाने का मामला हो, अगर कानून व्यवस्था की बात देखें आज उत्तर प्रदेश से अपराधी पलायन हो गए नहीं तो जेल के तलाकों में है या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है। अगर इस तरीके से सड़क की बात करें तो अभी एम्स आपका चालू हो गया इसी गोरखपुर के अंदर, यूरिया का कारखाना ये फर्टिलाइजर चालू होने की स्थिति में है, एक्सप्रेस वे पूर्वांचल बलिया तक जुड़ गया, अभी बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस का रिडोर
सारे काम तेजी के साथ तीव्र गति के साथ है और मेरठ से लेकर के इलाहाबाद भी काम प्रस्तावित है। सड़कों के जाल अगर देखें तो जहाँ पे सिंगल लाइन सड़क थी वहाँ टू लेन, जहाँ टू लेन था वहाँ फोर लेन, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने खड़ा किया है जो पिछले 10-15 वर्षों के अंदर नहीं दिखे। प्रभारी मंत्री के रूप में क्या विजन है महाराज के लिए? जो भी पहले से जो काम हो ठीक है, जो अधूरे काम है और भी जो माननीय सांसद और विधायकगण हैं इनके नेतृत्व में जो अधूरे काम है उसको पूरा करके महाराजगंज जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे रहा है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विमान क्षेत्र में महाराजगंज आगे रहेगा, इसी दिशा में काम है। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार की निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार धर्म पे है और योगी सरकार जश्न मना रही है, इसका क्या कहना है? असल में अखिलेश यादव जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं और नहीं तो एक प्रमाण प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से उनको खारिज कर दिया, जो अपनी पत्नी को नहीं जिता सकता, जो अपने परिवार के लोगों को नहीं जिता सकता, और गठबंधन के बाद उनका हाथ क्या था, उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला दे दिया। तो अखिलेश जी के बड़ पोलन का और उनके बार बार इस तरीके की टिप्पणी करने का असर यह था कि योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के मोदी जी के कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान से प्रभावित होकर अखिलेश यादव और मायावती दोनों को खारिज करने का। आने वाला जो उपचुनाव है देश में, आने वाला जो उपचुनाव है उसके लिए अन्य पार्टियां काफी जो है 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जगहों पर उपचुनाव है और 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, पूरी उसकी तैयारी हो चुकी है और लोग लगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक पे बैन किया है, आपके सभा में बोतल चल रहा था पानी का, क्या कहें? किसी ने ला के रख दिया, तुरंत उसको हटा दिया गया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। धीरे धीरे ये प्रतिबंध की तरफ मामला बढ़ा हुआ, आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि बंद हो जाए। जनपद महाराजगंज से अंकित पांडे की रिपोर्ट।